विवेका, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में कोरोना पीड़ितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। अगर आपको आंकड़े की बात बताई जाए तो बिहार में 2,15,000 के करीब कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ गई है। तेजी से कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है। हर जिले में दर्जनों लोग कोरोना पीड़ित पाए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी जो बिहार में चुनाव प्रचार में आई थी केंद्रीय मंत्री, वह भी कोरोना पॉजिटिव हो गई और वह भी इलाजरत है। सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे, शाहनवाज हुसैन सहित कई राजनेता जो बिहार आए थे कोरोना पीड़ित होकर वो अस्पताल में इलाजरत हैं। कल की घटना मैं बताऊं कि गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे 92 साल के केशुभाई पटेल का निधन हो गया। और उधर बिहार के महाअधिवक्ता रहे रामबालक महतो की भी मृत्यु हो गई। लोगों ने शोक व्यक्त किया। मनोज तिवारी जो भोजपुरी के नायक हैं, गायक हैं और भाजपा के भी वो नायक कहे जा रहे हैं, क्योंकि वो सांसद भी हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे, बाद में हटा दिए गए। मनोज तिवारी की हेलीकॉप्टर कल ऊपर फंस गई, पंखी नहीं चल रहा था। काफी मशक्कत के बाद पटना में लैंड किया गया और मनोज वाजपेयी बाल बाल बच गए। मनोज वाजपेयी भी बिहार में एनडीए प्रत्याशी के प्रचार कार्य में जुटे हुए हैं। उधर बिहार में माध्यमिक स्कूलों को 2 नंबर से होगी दूरदर्शन की पढ़ाई। सभी माध्यमिक स्कूल में अब टीवी क्लास में टीवी लगाया जा चुका है। इसमें डीटीएच कनेक्शन लगाकर दूरदर्शन कक्षा दिखाया जाएगा। लाइव दूरदर्शन के कक्षा के अलावा सभी स्कूलों के दूरदर्शन की सभी कक्षाओं को वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। इससे एक कक्षा का वीडियो बार बार छात्र देख सकेंगे। बिहार में मैट्रिक परीक्षा 2021 की होनी है, जिसकी तैयारी बच्चों को करना है और उसे देखते हुए दूरदर्शन के माध्यम से स्कूल में पढ़ाने की बात कही जा रही है, कोर्स कंप्लीट कराने की बात कही जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उसमें डीटीएच कनेक्शन लगाकर बच्चों को अब स्कूल में पढ़ाई जाएगी। बच्चे अब स्कूल आएंगे। बिहार बोर्ड की एग्जाम है 17 से 24 फरवरी में ली जाएगी और 11 से 17 नवंबर तक सेटअप परीक्षा का कर लेना है और उसमें अब स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उधर तेजस्वी यादव 15 साल बनाम 15 साल का और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। दर्जनों स्थान पर तेजस्वी यादव एक साथ प्रचार करते दिख रहे हैं और उधर जी तोड़ मेहनत नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, कम्युनिस्ट के नेतागण सीताराम येचुरी, नित्यानंद राय, साथ ही साथ योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी बिहार में मोर्चा संभाल रखा है और सारे लोगों की सभाओं में भीड़ होती है। अपार भीड़ तेजस्वी के सभाओं में होती है और एक दूसरे पर सब छीटा कसी करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बेरोजगारी और महंगाई और पलायन की बात करते हैं और लोगों का झुकाव तेजस्वी यादव के प्रति देखा जा रहा है। उधर अगर बताई जाए आपको, मैं बताऊं कि मुंगेर में कल वहां के लोगों ने काफी बवाल काटा और थाने में आग लगा दी गई, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, एसपी कार्यालय में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, एसडीओ कार्यालय में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई। आम पब्लिक के द्वारा उनका कहना था कि एसपी डीएम को हटाओ और 302 के मामला में मुकदमा दर्ज करो, क्योंकि इसने निर्दोष श्रद्धालुओं को पिटवाने का काम किया है दुर्गा पूजा में और निर्दोष अनुराग पोद्दार की हत्या हुई है जो भेजा उड़ा दिया गया है, साथ ही साथ दर्जनों लोग घायल है, यह सब एसपी डीएम के कारण हुआ है। अंततः चुनाव आयोग ने लिपि सिंह एसपी और डीएम को हटाने का आदेश दिया और नए एसपी डीएम को पदस्थापना की गई है। लोगों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि धर्म के साथ
खिलवाड़ करने का काम किया पुलिस वाले ने। जैसा कहा जाता है कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली गोली बिहार पुलिस ने चलाया, फिर अन्य पुलिस वाले ने चलाया। स्पष्ट हो चुका है कि पुलिस वाले की बदमाशी है। जो व्यक्ति गोली लगने से बीमार है उसने स्पष्ट कहा है कि मानो पुलिस वाले शराब पिए हुए थे और अंधाधुंध गोली चलाना प्रारंभ कर दिया। यह लाल फीताशाही और तानाशाही के विरोध में ही कल मुंगेर के लोगों ने जबरदस्त बवाल काटा, न्याय की गुहार लगाई, 302 का मुकदमा दर्ज करने का भी मांग रखा। कई कंपनियां बीएमपी के भी भेजे गए हैं मुंगेर आम लोगों को शांत करने के लिए। आम लोग जब जाग जाते हैं तो सरकार और प्रशासन को बड़ी मुश्किल होती है। धर्म के साथ कुठाराघात धर्म पर किया गया, श्रद्धालुओं को पीटा गया और अंग्रेज के शासनकाल के तरह बुरी तरह पीटा गया। मूर्ति पर लिपटे हुए लोग हैं, अंधाधुंध लाठियां चला पुलिस रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। अब श्रद्धा मूर्ति पूजा की थी और मूर्ति पूजा में भी विघ्न डालने का भारतीय जनता पार्टी और नीतीश सरकार ने काम किया। हिंदुओं के दिल को झकझोर कर रख दिया इस तरह की घटना ने, और हिंदुओं ने यह समझ लिया कि मोदी और नीतीश सरकार न हिंदू का है न मुसलमान का है, यह केवल सत्ता लोभी सरकार है जिसे अब उखाड़ फेंकना अति आवश्यक है। क्योंकि धर्म के साथ खिलवाड़ लोगों के दिल को दुखा दिया। तो दोस्तों, चुनाव दूसरे चरण का 3 तारीख को होना है, धुआंधार प्रचार जारी है, नेताओं के वादे हो रहे हैं, लेकिन आपको निर्णय लेना है कि जो नौकरी दे, विकास की बात करे और जो हमें रोजगार देने की बात करे, युवा वर्ग हो, वैसे लोगों को एक मौका मिलना चाहिए। यही बिहार के युवाओं की आवाज है। आपको कैसा लगा यह वीडियो और आप क्या अपने ओर से राय देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर बस लिखें। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कर दें और इस वीडियो को लोगों के बीच में शेयर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाल बटन घंटी दबाकर। धन्यवाद।